अनुराग ठाकुर भाजपा नेता सांसद बयान कि देश के गद्दारों को गोली मारो स्वामी। प्रज्ञा ठाकुर भाजपा सांसद बयान कि चाकू छुरी तेज कर लो, घरों में हथियार रखना शुरू कर दो और मौका मिले तो गर्दन काट दो। सत्ता पाही के हिम्मत लाही, तुलसीदास की चौपाई कि सत्ता का मद जो होता है वो अहंकार में डालता है और इसी अहंकार से राजा को बचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री राजा है और इस मद से उनको बचना चाहिए। मीडिया में सिर्फ मोदी 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 दिखाई देता है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जो पूरे के पूरे देश के लोगों की, चाहे कोई भी हो, अधिकांशतः युवाओं की आवाज़ अगर उठाने का काम संसद में सड़क से लेकर संसद तक करते थे तो वो केवल राहुल गांधी थे। एक आदमी के कहने से कोई आदमी चोर नहीं हो जाता। चोरी जब होती है, जब क्या है कि जब न्यायालय में उस चीज़ को सिद्ध हो जाए। नमस्कार, मैं अतुल होवाले और आप देख रहे हैं द वायर। पिछले कुछ दिनों से हर तरफ एक ही मुद्दा छाया हुआ है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। रविवार को जहां पर कांग्रेस के जो आलाकमान के नेता थे उन्होंने एक सत्याग्रह का आयोजन किया, वहां पर प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ शनिवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए अपने जो मुद्दे थे वो जनता के सामने लाए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने सवाल पूछता रहूंगा। तो आज हम यहाँ पर दिल्ली के सीपी में मौजूद है, कनॉट प्लेस में। हम लोगों में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है ये जो आंदोलन हो रहा है, राहुल गांधी जी को संसद से उनकी सदस्यता रद्द की है, तो ये जो आम वोटर्स है, आम जनता है, उनको क्या लगता है इस सभी मुद्दों के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत परंपराओं का चलन है, ये गलत श्रृंखला है देश की राजनीति में। सवाल इस बात का है कि जब लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो ये है, कल तक जब विपक्ष में मोदी जी थे, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो क्या सवाल वो नहीं पूछते थे? उन्होंने पेट्रोल के महंगाई, डीजल के महंगाई, गैस सिलेंडर पर महंगाई पर उन लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया था? लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसके तहत मोदी जी सारे सवाल करते थे और मनमोहन सिंह उसका बखूबी जवाब देते थे, उस कार्यक्रम को निष्पादन करते थे। लेकिन आज जब मोदी जी खुद देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको कम से कम ये क्या तरीका है, अगर आप सत्ता से बने रहना चाहते हैं तो आपकी आपके तमाम जो है इस देश के अंदर वेलफेयर की स्थितियां हैं जिसको करने से आपको कोई, जैसे 2014 में मोदी जी के नाम पर जो हिंदू कम्युनिटी थी या पूरे देश के जो लोग थे वो लोग सेंट्रलाइज होकर के आपको वोट किए और आपने उन सवालों को रखा कि हम महंगाई को नियंत्रण में करेंगे, किसानों की एमएसपी को बढ़ाएंगे, बेरोजगारों में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों को 15 लाख रुपया उनके खाते में डालेंगे। इसलिए कि जब सत्ता, कहा गया है कि सत्ता पा ही के हिम्मत ना ही, तुलसीदास की एक चौपाई है कि सत्ता का मद जो होता है वो अहंकार में डालता है और इसी अहंकार से राजा को बचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री राजा हैं और इस मद से उनको बचना चाहिए। ये देश, चाहे वो राहुल गांधी हो या विपक्ष हो, उनके लिए जैसे उनके लोग हैं वैसे ही उनके लिए वो लोग भी हैं। तो आपको एक संदेश देना चाहिए इस देश की लिए। आप प्रधानमंत्री के कुर्सी से हट भी जाओगे तो आप प्रधानमंत्री उस सूची में आपका नाम रहेगा। देखिए, मैं कुछ भाषणों को याद दिलाना चाहता हूँ आपके। अनुराग ठाकुर भाजपा नेता सांसद बयान कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। प्रज्ञा ठाकुर भाजपा सांसद बयान कि चाकू छुरी तेज कर लो, घरों में हथियार रखना शुरू कर दो और मौका मिले तो गर्दन काट दो। ठीक है, महाराज कौन है वो, एक सांसद, उनका भी ये बयान था कि घरों में खाली बोतलें रखना शुरू कर दो, हथियार रखना शुरू कर दो, तीर कमान करना शुरू कर दो। इस प्रकार के तमाम तरीके के बयानबाजी इन्होंने की, ये आज तक इनकी सदस्यता बनी हुई है, इन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ईडी, सीबीआई, पुलिस, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। यदि किसी को चोर कहने पर यदि किसी की सदस्यता ख़त्म कर दी जाए, और सबसे बड़ी बात कि उनको जो सज़ा मिली है वो मैक्सिमम मिली है 2 साल की, जबकि मैक्सिमम सज़ा उस केस में मिलती है जब आपने कोई संगीन अपराध किया हो।
बिल्कुल, देखिए जब हमें ये पता चला कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया है, उनको 2 साल की सज़ा दी गई है, हम एक युवा हैं, हम नौकरी की तैयारी करते हैं, हम देखते हैं कि आज अगर बेरोजगार युवाओं की अगर कोई आवाज़ उठाता है संसद में, वो मोदी जी से पूछता है कि इतने रोजगार, 7 लाख से अधिक रोजगार पद खाली पड़े हैं तो उनको क्यों नहीं भर रहे हैं, कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार दिया, क्यों पेपर आउट हो रहे हैं, तो ये सारी आवाज़ें आज तक हम सुनते थे, तो एक नेता था राहुल गांधी, वो उठाते थे, तो संसद में जब वो इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज पूरी मीडिया में हम न्यूज़ सुनते थे तो मीडिया में सिर्फ मोदी 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 दिखाई देता है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जो पूरे के पूरे देश के लोगों की, चाहे कोई भी हो, अधिकांशतः युवाओं की आवाज़ अगर उठाने का काम संसद में, सड़क से लेकर संसद तक करते थे तो वो केवल राहुल गांधी थे। कि इस देश में जब तानाशाही सरकार शासन कर रही थी, देश के बेरोजगार युवा जब रोजगार मांगते थे तो उनको पीटा जाता था, किसान रोजगार, किसान अपने अधिकार मांगते थे तो उनको पीटा जाता था, उनकी लड़ाई केवल एक नेता लड़ रहा था, राहुल गांधी, और उसको भी संसद से बाहर करने का काम इस तानाशाही सरकार ने की। और गांधी जी को गाली देते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, हमें पता है कि गांधी क्या है, जो आज 192 देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, वो लोग गांधी जी को गाली देते हैं, वो लोग आज संसद में बैठे हुए हैं, और जो लोग इस देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको संसद से बाहर करने का काम इस तानाशाही सरकार ने किया है, जिसका परिणाम इनको देखना होगा, क्योंकि अब युवा, जो युवा था वो आज राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होने के लिए तैयार है। तो आप करो ना, सही काम करो ना, महंगाई को नियंत्रण में करो, किसानों को MSP दो, किसानों की जो खाद बीज की समस्या है उसको उस पर ध्यान दो, शिक्षा में जो है दोहरीकरण मापदंड है उसको देश के अंदर सही करो, कि किसी का एक बेटा वो जा करके कैम्ब्रिज में पढ़ेगा और वो अपने ही समझेगा, अपने पढ़ करके जो पढ़ा है उस देश को समझाने के लिए उस प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था भी तो होना चाहिए आम आदमी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं देश के अंदर, सही काम करने वाले को तो ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा, और गलत एक भी हो गया तो सवाल तो खड़ा होगा। इसलिए राहुल जी को इस सदस्यता के ख़त्म होने के पीछे कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, कि जुडिशियल सिस्टम कैसे है, किस तरीके से हैंडल हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेटी में जो है कि इसकी जाँच होनी चाहिए, कि आखिर इस तरीके का न्याय, जो अन्याय के समान है, इस पर कैसा फैसला मिला है, कैसे फैसला हुआ है, ये जुडिशियल कमेटी होनी चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में होनी चाहिए। एक आदमी के कहने से कोई आदमी चोर नहीं हो जाता। चोरी जब होती है, जब क्या है कि जब न्यायालय में उस चीज़ को सिद्ध हो जाए, तब तक ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीज़ है, जो चीज़ सिद्ध हो जाएगी, वही चीज़ें न्यायालय में जो सिद्ध होंगी उसी को आदमी चोर समझता है। गलत बोलता हूँ बताए, जब तक सिद्ध नहीं होती तब तक आदमी चोर नहीं कहलाता है। तो इसलिए किसी को चोर कहना, देखिए, गलत है। अगर मेरा कहने का मतलब है, मैं एक उंगली ऐसे उठाऊंगा तो 3 उंगली मेरे ऊपर उठेगी। तो हमको किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है, हमको देश के प्रति काम करना है। जो देश के प्रति काम करेगा, देश भी उसी के साथ रहेगा। तो इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे सब, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, अब किस उम्मीद से देखें, सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। तो आप चाहते थे कि राहुल गांधी, हाँ, प्रधानमंत्री, मेरी जीनियस फ्रेंड साहब, इनके फादर इतने राजीव गांधी जी थे, इनकी दादी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने देश को, आज इनका नाम ऐसा कोई देश में जो व्यक्ति जो उनको सम्मान से नहीं लेता हो, इन्होंने देश के लिए जो किया आज़ादी के क्रम में, सबसे ज़्यादा इन्होंने कुर्बानियाँ दी है, राजीव गांधी ने अपने जीवन दिया, इंदिरा गांधी ने जीवन दिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।